हाँ जी देखिए रोड सेफ़्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी हमारे साथ कुछ जे एंड के लोग भी जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि जे के में टेररिज्म से ज़्यादा लोग रोड डेथ्स में यू नो गए हैं तो रोड सेफ्टी इनफैक्ट रोड डेथ एक नेशनल इमरजेंसी है अभी सरकारी जो आंकड़े आए थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट आई थी चार लाख साठ हज़ार क्या थे एक्सीडेंट थे पूरे इंडिया में 2022 में इनमें से एक लाख पचपन हजार क्या थे वो एक्सीडेंट जहाँ पे लोगों की जान गई मतलब तीन में से एक, एक एक्सीडेंट में लोगों की जान जाती हैं और सबसे ज्यादा दुखदायक आंकड़ा वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड अराउंड एक लाख सत्तर हजार जाने चले गई सड़कों पे तो हमें एक नेशनल मुहिम छेड़नी है रोड सेफ्टी के लिए और ये सिर्फ़ ऊपर ऊपर से खाना पूर्ति से काम नहीं होगा हमें इसके लिए ज़िला कस्बा खसरा हमें हर लेवल पे जाना है हमें ग्राम पंचायत तक पे जाना है अगर हम बड़े शहरों से भी शुरू करें जैसे जो ड्राइविंग ट्रेनिंग के जो स्कूल हैं कितने तो अनेकोनाइज़्ड हैं ऑदराइज नहीं है वहाँ ट्रेनिंग की ढंग की नहीं होती अभी हम बात करेंगे ट्रेनिंग को करो करो एज पर रूल ऑफ बट क्या आपका बेस पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है पहले आप उनको सक्षम करो आप मैनिटरी करो ट्रेनिंग को पर आप उनको पहले सक्षम करो उनको ऐसा बनाओ कि वो ट्रेनिंग दे सकें वहां ट्रेनर्स ढंग के हों वरना गार्बेज एंड गार्बेज आउट होगा जो आज बात हो रही थी और आप साइनेज पे ड्राइविंग स्कूल के साइनेज पे क्यूआर कोड लगा दो जहाँ से कोई भी जो सिटीज़न अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहता है उसको स्कैन करे और पता लगा दे कि ये रेकगनाइज है या रेकग्नाइज नहीं है असली है या नकली है तो हमें क्वालिटी की मुहिम छेड़नी है एक ज़माने में कितने सौ से भी ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल होते थे दिल्ली एक दिल्ली शहर में अभी रेकग्नाइज जो है वो मुश्किल से सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में भी मुश्किल से होंगे बाकी सारे ऐसे ही खुले हुए हैं गाड़ियाँ उनकी खटारा होती हैं हर कोई बोलता है इससे दूर चलाइ भाई तू मार ना दे तो ड्राइविंग ट्रेनिंग मैटरी करनी अच्छी बात है बट साथ ही साथ आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दूसरा मुद्दा क्या है जो हम ये एजेंट्स के साथ जो हम करते हैं आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के जो एजेंट्स हैं वो ड्राइविंग स्कूल से ज़्यादा पैसे कमाते हैं जस्ट इमेजिन जबकि उल्टा होना चाहिए ड्राइविंग एजेंट तो ड्राइविंग लाइसेंस के एजेंट तो होने ही नहीं चाहिए तो एजेंट्स को हटाने के लिए प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने एकदम स्मूथ किया है सीमलेस किया है उसको वाया ड्राइविंग स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है अभी राइट right नाउ साइबर कैफ़े में एक बंदा आपका लर्निंग लाइसेंस ये वो पूरा प्रोसेस करके आपको दे देता है वो वाया ड्राइविंग स्कूल होना चाहिए और ड्राइविंग स्कूल भी रिक्गनाइज होना चाहिए और उसकी पुष्टि क्यू कोड में हो उसके साइनेज पर लगी हो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आप पासपोर्ट सेवा केंद्र या आधार कार्ड केंद्र के स्टाइल में आप रोल आउट कर सकते हैं जो आपकी जो डीलरशिप्स हैं जैसे थ्री एस होती हैं सेल्स सर्विस स्पेयर इनको आप फोर एस बनाइए सेल्स सर्विस स्पेयर एंड सेफ्टी वहाँ पे सेफ्टी की ट्रेनिंग्स हो हर डीलरशिप में ट्रेनिंग हॉल होता है ट्रेनिंग रूम होता है वहाँ पे क्यों ना मैनेटरी हम ट्रेनिंग हम करवाएँ तो एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है सबको मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है करप्शन बहुत ज़्यादा है बॉटम ग्राउंड लेवल पर उसको हटाना जरूरी है और ड्राइविंग स्कूल को सक्षम करना जरूरी है राइट थैंक यू जय हिंद